ये कंट्रोल स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ प्रोग्राम के बारे में जो प्रोग्राम बेस हैं हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट पे। जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है, एफ है, एफ एल्स है, लैडर इफ एल्स है, और एलसीएफ है, और नेस्टेड इफ एल्स है, ये सब क्या होते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं। तो इन सब पे आधारित हम कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर है उसको हमें फाइंड करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, मतलब उससे रिलेटेड प्रोग्राम चेक देखेंगे। फिर अगर कोई नंबर है उसको हमें देखना है, वो चेक करना है कि ये नंबर जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे। फिर तीसरा प्रोग्राम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें अगर किसी स्टूडेंट का नंबर दिया है तो उसको कैसे ग्रेडिंग सिस्टम में, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम निकालने के लिए जो प्रोग्राम होता है वो लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जिसका नाम है कि किसी भी नंबर का को चेक करना है कि ऑड है या इवन है। तो क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है कि फाइंड करो नंबर ऑड है या इवन है, जैसा कि ये पूरा प्रोग्राम दिख रहा है, ये पूरा प्रोग्राम सामने दिख रहा है। इस पूरे प्रोग्राम में क्या है? ये सबसे पहला लाइन जो है ये क्या है? हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल कौन सा हेडर फाइल है? stdio.h। stdio.h क्यों लगाते हैं? stdio.h, printf, scanf, इन सब फंक्शन के लिए हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है मेन फंक्शन। जो हमारा कंपाइलर है, सी कंपाइलर है, सबसे पहले पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन को सर्च करेगा, फिर वहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा गया है? int n। int n का मतलब एक वेरिएबल है n, जिसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। तो अगर वेरिएबल है तो क्या करेगा ये? मेमोरी में कुछ स्थान एक्युपाई करेगा। कितना स्थान एक्युपाई करेगा? 2 byte या 4 byte, जो कंपाइलर है उसके डिपेंड होगा, मतलब कंपाइलर के अकॉर्डिंग 2 byte या 4 byte स्थान एक्युपाई करेगा। तो अगर मान लीजिए ये मेरा मेमोरी है कंप्यूटर की, यहाँ क्या कर दिया कि 2 byte स्थान एक्युपाई कर लिया, क्या है कि जो वेरिएबल है n है, हम यहाँ शो कर दे रहे हैं n। और हम इसका फॉन्ट बड़ा कर दे रहे हैं, चलिए। तो ये क्या है, मान लीजिए ये मेरी मेमोरी है कंप्यूटर की, वहाँ एक वेरिएबल स्थान एक्युपाई कर लिया है 2 byte। अब इसके बाद जो आउटपुट में दिखेगा क्या दिखेगा? इंटर ए नंबर, जो हमारे ब्लैक स्क्रीन के पे दिखेगा, क्या दिखेगा? इंटर ए नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि कोई नंबर इंटर करो। तो हम मान लीजिए क्या इंटर कर रहे हैं? 10 प्रेस करके इंटर कर दे रहे हैं। तो 10 कहाँ स्टोर होगा? इस वेरिएबल जो n वाले वेरिएबल में है वहाँ स्टोर होगा। इसकी ये कहाँ लिखा गया है कि n वाले वेरिएबल में होगा? यहाँ लिखा गया है, देखिए, scanf फंक्शन। scanf फंक्शन का काम क्या है कि कंसोल से इनपुट लेता है, मतलब यूजर से इनपुट लेता है। यूजर से इनपुट लेके कहाँ स्टोर करेगा? जो हमारे पास वेरिएबल है वहाँ स्टोर करेगा। वेरिएबल कौन सा है? n है, तो वहाँ स्टोर करेगा। चलिए अब देखते हैं कि अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला लाइन क्या है? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का काम क्या है कि इफ स्टेटमेंट का अगर कंडीशन ट्रू होगा तो उसकी बॉडी में हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो उसकी बॉडी से बाहर एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशन हमारे पास क्या है? n% 2 का मतलब है क्या कि ये रिमाइंडर देगा। n की वैल्यू अगर 10 है तो m% 2 का मतलब क्या हुआ कि 0 आएगा, 0 = 0।
तो जीरो इक्वल जीरो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में क्या दिखेगा, आउटपुट में ये दिखेगा टेन इज इवन। टेन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा एन, जो हमारे पास डाटा मतलब मेमोरी में स्टोर है एन वाले वेरिएबल में, यहाँ से क्या आएगा, टेन आएगा। मान लो अगर एन की वैल्यू कोई इंटर करता है 121, तो एन की अब यहाँ टेन की जगह क्या होगा, 121 इंटर होगा। मान लीजिए 121, मान लीजिए क्या 103 है, तो अगर 103 है तो हमारे मेमोरी में क्या होगा, 103 स्टोर होगा। अब अगर इफ वाला कंडीशन चेक होगा तो यहाँ से क्या होगा, 103% 2 का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर ऑपरेटर है, रिमाइंडर का मतलब जो शेषफल मिलेगा वो आउटपुट देगा, तो एम परसेंट टू का मतलब 1 आएगा, 1 इक्वल 0। अगर हमें मतलब कंपेयर करना होता है तो हम डबल इक्वल लगाते हैं, अगर हमें असाइन करना होता है कोई वैल्यू तो हम इक्वल लगाते हैं। सी प्रोग्राम में हम ऑपरेटर वाले चैप्टर में पढ़ा भी चुके हैं कि असाइन ऑपरेटर क्या होता है, कंपेयर ऑपरेटर क्या होता है। तो डबल इक्वल किसके लिए होता है, कंपेयर करने के लिए, दो वेरिएबल को कंपेयर, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता। तो इसकी वैल्यू 1 आए, 1 एग्जैक्ट इक्वल 0, जो हमारा कंडीशन है वो फाल्स हो गया। फाल्स हो गया तो हाँ, जो हमारे पास कंपाइलर मतलब सी का कंपाइलर हो वो अब इफ वाली बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स वाली बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। एल्स वाली बॉडी को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ प्रिंट या फंक्शन लगा है, तो प्रिंट या फंक्शन से आउटपुट हमारा क्या आएगा, 103 इज ऑड। मतलब आउटपुट में क्या दिखेगा, मान लो हम यहाँ आउटपुट लिख रहे हैं तो क्या दिखेगा, 103 इज ऑड, ये हमारा आउटपुट आएगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम। हम प्रोग्राम मतलब इस पेज को छोटा कर दे रहे हैं जिससे कि पूरा प्रोग्राम दिख जाए एक ही पेज में। तो क्या है कि ये पूरा प्रोग्राम है किसके लिए, कि किसी नंबर को चेक करने के लिए इवन है कि ऑड है। तो आई होप समझ में आ गया होगा पहला प्रोग्राम कि हम कैसे प्रोग्राम को जनरेट करेंगे किसी नंबर को चेक करने के लिए ऑड है कि इवन है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड प्रोग्राम की तरफ। दूसरा प्रोग्राम क्या है कि किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो नंबर है। मतलब जो कंसोल से इनपुट ले रहा है, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव प्रिंट करवाएगा, अगर वो नंबर निगेटिव होगा तो प्रिंट करवाएंगे नंबर इज निगेटिव, अगर वो नंबर जीरो हो रहा है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे नंबर इज जीरो। तो ये पूरा प्रोग्राम है जो हम छोटा करके दिखा दे रहे हैं पूरा प्रोग्राम एक साथ। अब समझते हैं इस प्रोग्राम को, अब समझते हैं प्रोग्राम का सबसे पहला लाइन क्या है कि एक हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं जिसका नाम है studio.th। studio.th क्यों लगाते हैं, प्रिंट या फिर स्कैन या इन सब प्री डिफाइन फंक्शन के लिए लगाते हैं, इन सब फंक्शन की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में लिखी होती है। तो अब सेकंड लाइन क्या है कि ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन किस टाइप का है, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब ये जो मेन फंक्शन है हमारा वो किस तरह का वैल्यू थ्रो करेगा, किस तरह का वैल्यू आउटपुट करेगा, इंटीजर। अगर यहाँ वर्ड लगाते हैं तो हमें गेट सी एच लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें इंट लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये हम लगभग हर एक प्रोग्राम में बताते हुए आ रहे हैं। उसके बाद मेन जो हमारा फंक्शन है उसके बॉडी के अंदर सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, इंट पी। इंट पी का मतलब क्या हुआ कि एक पी नाम से वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर ये वेरिएबल है तो ये मेमोरी में कुछ स्थान एकोपाई करेगा, वो कंपाइलर के डिपेंड होगा, मतलब 2 byte होगा या 4 byte वो कंपाइलर पे डिपेंड होगा कितनी byte स्थान एकोपाई करेगा। मान लीजिए क्या कि अगर हम ओल्डर वर्जन कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो 2 byte स्थान लेगा,
टू वाइट स्थान लेगा। अगर हम कुछ रिसेंट टाइप का हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो लगभग 4 byte स्थान एकोपाई करेगा। तो मान हम शो कर दे रहे हैं कि ये जो मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी में इतना स्थान एकोपाई करेगा, या तो 2 byte हो गया या 4 byte, जिसका जिसका कुछ एड्रेस होगा। हम एड्रेस यहाँ शो कर दे रहे हैं, मान लीजिए कि इस एड्रेस पे ये हमारा पी नाम का वेरिएबल स्थान एकोपाई कर लिया है। उसके बाद क्या है अगली लाइन, प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या होता है कि आउटपुट मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए क्या स्क्रीन पे दिखेगा इंटर द नंबर जैसे ही दिखेगा उसके बाद क्या होगा कि हम अपने कीबोर्ड से कुछ नंबर इंटर करेंगे। मान लो वो नंबर हम क्या इंटर कर रहे हैं, 20 इंटर कर दे रहे हैं, 20 इंटर करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगी हमारे मेमोरी में, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, ये इसका फंक्शन बता रहा है कहाँ, एड्रेस ऑफ पी के एड्रेस पे स्टोर होगा। पी वाला वेरिएबल जहाँ है उसके एड्रेस पे स्टोर होगा, मतलब जो स्थान एक उपाय किया है पी वाला वेरिएबल वहाँ स्टोर हो जाएगा 20। अब क्या है अगला लाइन है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन क्या लिखा गया है, पी ग्रेटर दैन 0। तो पी की वैल्यू 20 है, 20 ग्रेटर दैन 0 मतलब कंडीशन ट्रू है तो देखिए क्या प्रिंट होगा, नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट होगा। प्रिंट ये फंक्शन लगाए हैं तो क्या दिखेगा, नंबर इज पॉजिटिव ये हमारे पास आउटपुट में दिखेगा। अब देखिए यहाँ इस प्रोग्राम में कि इफ के बाद इफ की बॉडी के लिए हम ब्रेसेस नहीं लगाए, मतलब मझला कोष्टक नहीं लगाए, तो हमारा कंपाइलर क्या है कि हमारा कंपाइलर ये समझेगा कि इफ की बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। अगर हम एक लाइन कहीं भी लिख रहे हैं तो जनरली हम ब्रेसेस लगा के लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब कुछ लॉजिकल प्रोग्राम लिखने सोच रहे हैं तो यहाँ ब्रेसेस हटा भी सकते हैं। ब्रेसेस हटाने का मतलब क्या है कि अब इफ़ की बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, अगर इफ़ की बॉडी में हमें दो दो एक से ज़्यादा लाइन हमें शो करना होता है तो हम ब्रेसेस लगा के ही लिखेंगे। इतना समझ में आ गए। अगर मान लीजिए हम कीबोर्ड से क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं -20, अगर -20 इंटर कर रहे हैं मान लीजिए ये -20 इंटर कर दे रहे हैं, -20 इंटर करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ -20 जैसे ही इंटर करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा आउटपुट क्या अब आएगा, आउटपुट ये नहीं आएगा, नंबर इज पॉजिटिव नहीं आएगा, नंबर इज क्या आएगा, नंबर इज निगेटिव आएगा। कहाँ से आएगा अभी समझते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं, फिर यहाँ क्या शो होगा, नंबर इज निगेटिव शो होगा। मान लो हम यहाँ निगेटिव लिख दे रहे हैं, क्या होगा निगेटिव। ये शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कलर चेंज किया है, तो हमने अगर कलर चेंज किया है तो क्या होगा निगेटिव
निगेटिव। देखिए आप समझते हैं प्रोग्राम को, जैसे ही इंटर द नंबर प्रिंट हुआ हमारे स्क्रीन पे आउटपुट में दिखा, तो हम क्या प्रेस कर दिए, -20 प्रेस करने के बाद इंटर का बटन दबाएंगे। इंटर का बटन दबाते ही हमारे पी वाले वेरिएबल में जो एड्रेस होगा वहाँ स्टोर हो जाएगा। मान लो ये स्टोर हो चुका। अब क्या है, इफ़ वाला स्टेटमेंट है। इफ़ वाले स्टेटमेंट में क्या के अंदर कंडीशन में क्या लिखा है, पी ग्रेटर दैन जीरो। जब ये वैल्यू चेक होगी तो -20 ग्रेटर दैन जीरो चेक होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन फाल्स हो। कंडीशन फाल्स होते ही अब ये इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ़ की बॉडी कौन क्या है, ये है प्रिंट इफ। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है, क्योंकि ब्रेसेस नहीं लगा तो एक ही लाइन होगा। तो एल्स की बॉडी अब एग्जीक्यूट करेगा। एल्स की बॉडी में क्या लिखा गया है, एल्स की बॉडी के बाद एल्स के अंदर भी इफ़ कंडीशन लिखा गया है। इफ़ के अंदर क्या लिखा है, पी लेस देन जीरो, मतलब -20 लेस देन जीरो है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, नंबर इज नेगेटिव मतलब आउटपुट में दिखेगा। अगर कोई प्रोग्रामर यहाँ जीरो लिखकर इंटर कर रहा है तो क्या हमारा पास आउटपुट आएगा, नंबर इज इक्वल टू जीरो, ये आउटपुट में दिखेगा। आई होप पूरा प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, इसको चेक करने का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम तीसरे प्रोग्राम की तरफ। चलिए तीसरा प्रोग्राम देखते हैं। तीसरा प्रोग्राम है कि तीसरा प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट। मतलब अगर कोई स्टूडेंट परसेंटेज में नंबर पाया है तो कितना ग्रेड पाया है, इनको कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम है। तो क्या है, मान लीजिए अगर वो 80% से ऊपर नंबर पाया या बराबर नंबर पाया तो हम शो कराएंगे कि ग्रेड ए मिला है। अगर हम वो नंबर 70 से 80 के बीच में पाया है तो हम शो करवाएंगे कि ग्रेड बी नंबर पाया है। अगर वो 45 से 70 के बीच में पाया है तो हम प्रिंट करवाएंगे कि ग्रेड सी नंबर पाया है। अगर इससे नीचे कोई भी परसेंटेज नंबर पाया है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि ग्रेड डी। तो चलिए देखते हैं पूरे प्रोग्राम को। ये मेरे पास पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम इसको छोटा करके पूरा प्रोग्राम दिखा दे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम पूरे प्रोग्राम को समझेंगे। ये पूरा प्रोग्राम दिख रहा होगा, ये पूरा प्रोग्राम दिख रहा है, इसको आप चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला लाइन क्या है कि हमारे पास क्या है, studio.h है। studio.h किस लिए लगा है, हेडर फाइल printf scanf के लिए। conio.h क्यों लगा है, getch के लिए लगाते हैं। getch की ज़रूरत हमें यहाँ नहीं पड़ती, क्लियर स्क्रीन के भी लिए लगाते हैं conio.h, क्योंकि ये जो मेन फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हमें conio.h लगाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए लिख दिया है तो सही है। अगर हमें conio.h लगाना है तो यहाँ void भी हम शो करवा सकते हैं। यहाँ void कराने के बाद हम नीचे getch लगा सकते हैं, यहाँ getch हम लगा सकते हैं, जो कि हम लिख चुके हैं कि getch है। तो मतलब अगर getch है तो यहाँ void हमारे पास होगा, तो समझ में आ रहा होगा हमें लगता है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला लाइन क्या है, int marks, मतलब एक marks नाम का वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। तो अगर ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा तो कहाँ स्टोर करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं स्टोर करेगा। अगर कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं स्टोर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्थान वो एक्यूपाई करेगा, कुछ स्थान घेरेगा उस मार्क्स को स्टोर करवाने के लिए। तो जो हमारे पास इंटीजर तरह का डेटा टाइप होता है वो कितना मेमोरी में स्थान एक्यूपाई करता है,
टू बाइट या फोर बाइट, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड होता है कि टू बाइट स्थान लेगा या फोर बाइट। जो इस समय कंपाइलर चल रहे हैं जैसे टर्बो सी प्लस प्लस हुआ, ये फोर बाइट स्थान एकोपाई करता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कंप्यूटर की मेमोरी है, ये पूरी मेमोरी है कंप्यूटर की, तो इसमें कुछ पार्ट मतलब इतना सा क्या होगा, ये मार्क्स नाम के मार्क्स नाम का वेरिएबल है, किसी एक एड्रेस पे स्टोर होगा। मान लीजिए हम सिंपल शो कर दे रहे हैं कि मार्क्स नाम का वेरिएबल है, यहाँ कोई भी अब मार्क्स नाम के वेरिएबल में डाटा स्टोर होगा तो यहाँ स्टोर होगा। इसके बाद क्या लिखा गया है, प्रिंट एफ फंक्शन लिखा गया है। प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या है कि आउटपुट प्रिंट करवाना। आउटपुट में क्या दिखेगा, अब मेरे पास क्या दिखेगा, इंटर द नंबर हम शो करवा दे रहे हैं, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, इंटर द मार्क्स है यहाँ, इंटर द मार्क्स, इंटर द मार्क्स एक लाइन में दिखेगा, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसके बाद बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन का मतलब जो हमारा कंपाइल जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक करेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन कुछ यहाँ ब्लिंक करेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ अगर ब्लिंक करेगा तो हम कुछ नंबर इंटर करके क्या करेंगे, कुछ नंबर इंटर करके प्रेस करेंगे। मान लीजिए वो नंबर हम कितना इंटर कर रहे हैं कि कितना नंबर पाया है, कितना परसेंट नंबर पाया, मान लीजिए हम करवा रहे हैं कि 50% नंबर पाया है, तो हम इसको एक लाइन में अभी कर दे रहे हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है हमें, हम कर सकते हैं। तो ये जो 50 हम अभी इंटर किए हैं, प्रेस करके इंटर करे हैं, वो कहाँ स्टोर होगा, वो जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है वहाँ स्टोर होगा। तो यहाँ क्या आ चुका है, 50 आ चुका। इसके बाद क्या लिखा है कि इफ़ स्टेटमेंट लगा है। इफ़ स्टेटमेंट का कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 80। तो क्या है, मार्क्स हमारे पास 50 है, अब 50 ग्रेटर देन और इक्वल 80, कंडीशन फॉल्स हो गए। कंडीशन फॉल्स हो गए तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ आ जाएगा एल्स एफ वाले पार्ट में, यहाँ क्या कंडीशन है, मार्क्स ग्रेटर देन 70, जो कि सही है कि 70 से गलत है, तो गलत है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब एल्स एफ वाली बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगले वाले कंडीशन पे आते हैं, एल्स एफ मार्क्स ग्रेटर देन 45, ये सही है कंडीशन। उसके बाद एंड लगा है, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ये कंडीशन क्या कह रहा है, मार्क्स लेस देन 17, ये भी सही है, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब इफ़ वाला कंडीशन, एल्स इफ वाला ये कंडीशन पूरा ट्रू है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। क्या हमारे आउटपुट में दिखेगा, ग्रेड इज सी। तो यहाँ क्या दिखेगा, हम शो करवा दे रहे हैं ग्रेड इज सी, यहाँ प्रिंट होगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। अब देखिए इस प्रोग्राम में हम एल्स एफ का यूज किए हैं, हम चाहते तो इफ़ के अंदर एल्स का यूज कर एल्स के अंदर इफ़ का यूज कर सकते हैं, मतलब नेस्टेड एफ एल्स का भी यूज करके ये पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। ये पूरा प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, किस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे। अब और भी एक बात देख लीजिए कि जो इफ़ की बॉडी है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है, यहाँ भी एल्स इफ़ की बॉडी में एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, तो हम चाहें तो ये ब्रेसेस लगाए या ना लगाए, तब भी ये हमारा कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ एल्स इफ़ की बॉडी सिर्फ एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा
कि इस प्रोग्राम को हम तोड़ के भी और भी तरीके से पूरा लिख सकते हैं। तो अब इसी पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो वाइंड अप करने से पहले हम पूछ लेते हैं कि इस जो ये प्रोग्राम पूरा है, ये तीसरा प्रोग्राम जो ये प्रोग्राम है तीसरा, इसमें कुछ एरर है? अगर एरर है तो क्या एरर है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। एरर आएगा क्योंकि हम शुरुआत में ही समझा चुके हैं कि क्या एरर आएगा इस प्रोग्राम में। एरर आएगा शुरुआत में ही बता चुके हैं, लेकिन अब क्या एरर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।